गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सिया नैनीताल से, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी कि आप सोया चाप खाते हैं ना। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो वो सोया खा सकते हैं और वो चीज़ फिर बैलेंस हो जाती है। तो नॉर्मली आप लोग जाते हैं बाहर और सोया चाप खाते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये सोया चाप मैं लेके आई थी बाजार से, और इसका पैकेट दिखाती हूँ मैं आपको। ये है इसका पैकेट, और इसके पीछे मैं आपको दिखाती हूँ महाराजा चाप, इस पर लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये पढ़िए, वाटर, व्हीट प्रोटीन, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा, एडिबल कॉमन सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, मेज फ्लोर। इसमें कहीं भी लिखा हुआ है क्या कि इसमें सोया है? नहीं लिखा है। उसमें लिखा तो चाप है, सोया चाप बोलते हैं, लेकिन उसमें वो है नहीं, तो कंप्लीटली मैदा है वो, जो आप 300 350 दे के बाजार में खाते हैं। तो मैं भी ऐसे ठगी गई। एक्चुअली मुझे किसी ने बोला कि बाजार में मिलता है सोया चॉप, और वो बनाना भी आसान है, आप ले आइए बाहर से और घर में बना लीजिए। तो मैं ले आई, लेकिन अब मैंने जब पीछे पढ़ा तो देखा कि उसमें वो तो है ही नहीं जिसके लिए हम लाए थे, कि भैया चलो ठीक है, जो नॉनवेज नहीं खाते वेज खाते हैं उनको बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैं ले तो आई हूँ और उसको मैं बना भी रही हूँ। अब ले आई हूँ तो मैंने कहा मैं बना भी लेती हूँ। और ये मैदा है, तो क्या है कि उस पैकेट में से मैंने निकाल लिया था, और इसको मैंने 2-3 मिनट्स तक बॉयल्ड वाटर में रखा और फिर मैंने निकाल लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो स्टिक है इसमें से इसको मैं निकालूंगी और इस तरह से मैं इसको काटूंगी। दूसरी तरफ मैंने ये तैयार कर लिया है इसकी ग्रेवी के लिए। मैंने इसमें प्याज मिक्स की है, काजू मिक्स किया है, और 2-3 मैंने खड़े गर्म मसाले डाले, जैसे लौंग दिख रही है आपको, काली मिर्च है, और ये सिनेमन स्टिक है, और प्याज है, लहसुन, और थोड़ा सा अदरक है। और इसको मैंने हल्का फ्राई कर लिया है। थोड़े से मैंने सीसम सीड भी डाले हैं और काजू भी डाला है, ताकि बिल्कुल बाजार जैसा ही मैदे का चाप लगे। अब सोया चाप कहना तो इसको सही नहीं है। तो ठीक है, इसको 5-10 मिनट्स तक मैं ऐसे धीमी आंच पे रोस्ट करूंगी। तो ये मैंने ये स्टिक्स निकाल के, और ये मैंने ऐसे काट लिया है, ये देखिए ऐसा ये दिख रहा है। और अभी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और उसमें डालेंगे। जो आप खाते हैं बाजार में इतना महंगा, वो सोया चाप नहीं है गाइस, वो मैदा चाप है। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, तो अलर्ट हो जाइए, अलर्ट। और ये देखिए, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर लिया है, और 5 मिनट तक मैं इसे ऐसे रोस्ट करूंगी, और ढक के रख देती हूँ उसे 5-7 मिनट तक, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। फाइनली मैंने मोटा मोटा इसे रखा है, क्योंकि मिक्सी में ये ग्राइंड ही होगा सारा। गाइस, इसमें कहीं लिखा तो नहीं है सोया चाप, लेकिन चाप अगर लिखा है तो हम यही समझते हैं कि वो सोया चाप ही होगा। तो गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने तो साफ साफ लिखा हुआ है महाराजा चाप। हो सकता है किसी और नाम से कहीं और भी मिलता हो, लेकिन यही चाप जो है रेस्टोरेंट में 300-350 रुपये का बना के जो हम खाते हैं, ये वही चाप है। और ये आया है पैक, मैं बताती हूँ आपको, अगर ये कहीं लिखा हुआ है 100-150 रुपये का ये आया है, ये लिखा है 153, तो इतने का ये आया है। और जितना ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये जितना ये बना है 2 से 3 लोगों के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। तो लेकिन मैं हैरान हूँ ये कि ये मैदे का है, इसमें सोया कहीं नहीं है, तो मिसगाइडेड मत होइएगा। अब मैं ले आई हूँ एक बारी, तो इसको पूरा बनाऊंगी ही। तो थोड़ा सा और 5 मिनट्स रख देती हूँ। नाउ डेज वॉट वी आर ईटिंग सीरियस एक मैटर है कि हम क्या खा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया ही आपको, और एक ब्रेड का भी है, ब्रिटानिया का जो कहते हैं ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड वो भी एक मिथ है, पता है आपको। ब्राउन ब्रेड वो इसलिए है क्योंकि इसमें कलर मिक्स किया जाता है, आटे का नहीं होता वो। जरा आप, ठीक है मेरे पे यकीन मत कीजिए, आप जो ब्रिटानिया का ब्राउन ब्रेड है उसके पीछे आप देखिएगा कि उसमें व्हीट कितना है। हाँ, अब इसको आपने रिफाइंड लेना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। काफी अंदर से कच्चा ना रहे, इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं डाला, इसको भूनने के लिए तो कम ही डाला है। और जो बाज़ार में होता है शायद वो डीप फ्राई करते हैं तेज़ रिफाइंड में, और जो उनके पास वो होता है ऐसे डुबो के और ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने अब घर में बना रही हूँ, कुछ तो हेल्दी करूँगी, वैसे ही मैदा का मिल गया है और कम रिफाइंड डाला है। कम भी गाइस, एक बात बताऊँ मैं आपको, कटोरी होती है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, फिर भी इसमें कम क्या, ये पूरी कटोरी तो इसमें रिफाइंड लगी गया है। तो आप बाज़ार में ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें कितना कितना क्या क्या मिला हुआ है। तो अभी मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, फिर भी उसमें कटोरी भर रिफाइंड इसमें यूज़ हो गया है। तो अब ये लगाइए कि उनके में बाहर जो आप खाते हैं थोड़ा ब्राउन ब्राउन कम आता है, तो वो तो बिल्कुल डीप फ्राई करते होंगे। और ये जो तेल है वो सोख भी काफ़ी रहा है, काफ़ी सोख रहा है ये तेल। तो अभी देखिए ये कैसे ऐसे से राउंड ऐसे से ये हो गया है। तो इसको अभी मैं करती हूँ बंद।
गाइस, ये तो मैंने बताया आपको चाप की कहानी, और मैं एक वीडियो देख रही थी, एक वीडियो में देख रही थी, और उसमें बता रही थी कि वो जो मेयोनाइज होता है ना, यही बोलते हैं जो मोमो के साथ खाते हैं, वो वाइट कलर का, वो कैसे बनता है। वो मैंने देखा और फिर मैंने तौबा कर ली, तौबा तौबा, दोबारा नहीं खाऊंगी। उसमें तो इतना रिफाइंड डलता है, इतना रिफाइंड डलता है कि जो मैंने कटोरी आपको दिखाई अभी, वो मतलब ये लगा लीजिए 250 ग्राम्स या उससे भी कम मेयोनाइज बनाने के लिए, वैसी कटोरी 4-5 भर के वो यूज़ कर रहे थे। और जो बना रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि मैं बना के दिखा तो रहा हूँ कि ये कैसे बनती है, लेकिन बनाने के बाद मैं इसे डस्टबिन में जाके फेंकूंगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये इसमें कितने अनहेल्दी चीज़ें डली हैं जो हमें बहुत टेस्टी लगती है खाने में, लेकिन तौबा तौबा। मैंने बटर ले लिया है और उसमें मैंने मिर्च डाल दी है, तो आप जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, रंग वाली जो होती है, वो डाल सकते हैं कि उससे देखने में भी अच्छा लगता है और मिर्ची कम होती है। अगर आप तीखी मतलब मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरी वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसे डालने के बाद आप थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद अब आप इसमें जो ये पेस्ट बनाया था मिक्सी में, ये डाल दीजिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो आपको खाना हो। गाइस, 2-3 मिनट्स तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे चला लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें ये फ्राई किया हुआ चाप। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे से मतलब एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे से ये कुकिंग में मुश्किल हो जाता है। अब इसको अच्छे से आप लगा लीजिए। ये मैंने इसमें लगा दिया है अच्छे से। अब फिर 5 मिनट्स के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी, ताकि थोड़ा सा और ये जो चाप है ये इसमें समा जाए और इसका ये जो है पूरा एक सा हो जाए। ठीक है, 5 मिनट्स तक मैं इसको ढक के रखूँगी, और उसके बाद मिलाई चाप है तो मिलाई भी डलेगी। ये अमूल क्रीम है, हाफ है, ये फुल नहीं है, सो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। सो अभी 5 मिनट्स तक हम इसको ढक के रखते हैं। सो गाइस, 5 मिनट्स हो गए हैं, और बाज़ार में जो चाप मिलती है वो वाइट कलर की होती है। मैंने इसमें हल्दी भी डाली है और टमाटर की प्योरी भी डाली है, और शायद फूलों के भी टमाटर से भी कलर आ जाता है ना, तो हो सकता है कि वो टमाटर वगैरह कुछ ना डालते हों, कुछ अपनी ही प्योरी डालते हों, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। सो गाइस, क्रीम मैंने डाल दी है, और ये क्रीम आप फ्रेश लीजिएगा, एक दिन रखी हुई, 2 दिन रखी हुई मत लीजिएगा, तुरंत बाज़ार से लाइएगा और यूज़ कीजिएगा। इसमें मैंने डाल दिया है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फाइनली ये तैयार हो गई है, और फिर से केवल 2 मिनट तक मैं इसको फिर से ढक के रखूँगी। सो गाइस, 2 मिनट हो गए हैं, और ये हमारा मैदा चाप हो गया है तैयार। और एक बात मैं आपको अभी बताऊँगी, रुकिए थोड़ा मैं सर्व कर लेती हूँ पहले। मैं फाइनली टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है। अच्छा है। और गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी कि ना, अमेज़ॉन पे मैंने अभी देखा, जब मैंने अभी पैकेट पे दिखाया था कि इस पे सोया चाप नहीं लिखा हुआ है, केवल चाप लिखा हुआ था, और ये था 450 ग्राम्स, 153 रुपीज़ का। और अमेज़ॉन पे मैं देख रही थी, सोया चॉप लिखा हुआ था, लिखा था नो प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन उसमें होंगे, और वो था 220, अप्रॉक्सीमेटली 220 या 250 रुपीज़ का, 200 ग्राम्स। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोग बाज़ार में खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, 300-400 का ये मिलता है, क्या आपको लगता है कि वो वाकई में सोया चाप ही होता है? वो यही वाला चाप होता है गाइस, जो मैं लेके आई हूँ ये सोच के कि ये सोया चाप है। सो ये बना तो बहुत अच्छा है, और पर्सनली मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे पता है मैंने बनाया है, इसमें कितना रिफाइंड, कितना बटर, कितना इसमें क्रीम लगा है, जो कि
बहुत अच्छा नहीं है अगर आप 2 से 3 दिन बाद ये सब खाते हैं। और घर का बना तो फिर ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मैंने, अगर रिफाइंड कहीं 2 कटोरी लग रहा है तो मैंने 1 कटोरी ही यूज़ किया है, क्रीम अगर फुल लग रही है तो मैंने हाफ ही यूज़ की है। तो घर का खाना है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ये सब नहीं खाना चाहिए, तो मैंने अपने आप से ही मैनेज कर लिया। लेकिन बाहर वालों को क्या मतलब है आपकी सेहत से, वो तो बस स्वाद आना चाहिए। तो वो तो भर भर के सब चीज़ें ये सब डालेंगे ना, जिससे जो टेस्ट है वो एनहांस हो। तो मेरी राय में कभी आपको खाना हो तो घर में ही ये बना के खा लीजिए, बाहर तो ये सब तौबा तौबा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय। 8 बज चुके हैं, मैं बनाती हूँ इसके साथ चपाती और डिनर करते हैं, आप लोग भी कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।